अपने घर भी बर्थडे मना सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे भीड़ देखने के चक्कर में। हम लोग चल रहे हैं अब सीधे आगे की तरफ। हो रहा है भाई ना लोड़ा, गुस्सा कम कर थोड़ा। पहले के मुकाबला तो अधिक है। चलते हैं। हम लोग रक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है। क्या संदेश देना चाहिए वहाँ पे? रिपोर्टिंग हो चुका है और आप लोग क्राउड देख सकते हैं, भीड़ कितना है। तो भाई आप लोग देख लीजिए इस पर बच्चे कितना चढ़े हुए हैं हमारे। तो भाई देख लीजिए नजरबाग पार्क के पास में कितना भीड़ लगा हुआ है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस हम लोग के सर पे आज बहुत बड़ा काम बचा हुआ है। तो गाइस धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले पूड़ी बनाएंगे, खीर पूड़ी बनाएंगे, उसके बाद में बहुत जगह पे घूमने जाना है। आप लोग वीडियो बने रहिएगा। देखिए सब्जी बनाने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है यहाँ पर। तो गाइस देख लीजिए सब्जी का प्रक्रिया यहाँ पर सब स्टार्ट हो गया है। हम लोग सब इसको चीर कर सजा दिए हैं और देख लीजिए यहाँ पर आटा भी सना चुका है और यहाँ पर रोटी बेला रहा है, इसको पूड़ी बनाया जाएगा। तो भाई अब खीर बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, देख लीजिए। तो फाइनली गाइस हम लोग कपड़ा पहन लिए हैं, अब रेडी हो चुके हैं। अब देख लीजिए हम लोग निकल रहे हैं। अरे गाइस हम लोग कपड़ा पहन निकल चुके हैं, अभी रेडी नहीं हुए, निकल चुके हैं दोस्त। अच्छा हमको सिखा दिया है। तो गाइस जा रहे हैं हम लोग बेतिया में, जाएंगे बहुत बहुत जगह पर घूमेंगे हम लोग, पार्क में जाएंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं सागर पोखरा तक। तो आइए आप लोग सागर पोखरा कुछ नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। तो गाइस चलिए ये है, आप लोगों को दिखाते हैं नौका बिहार सागर पोखरा। नौका बिहार सागर पोखरा आपके आपके बेतिया शहर में पहली बार स्वागत है। तो गाइस देख लीजिए अपना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। तो गाइस पहले इसमें नौका नहीं था, लेकिन अब नौका लगा दिया गया है, देख लीजिए आप। देख लीजिए ये है सागर पोखरा कुछ बेहतरीन नज़ारा, जो आप लोगों को हरदम देखने को मिलेगा, अब पहले नहीं मिलता था। तो गाइस काफ़ी देर हम लोग सागर पोखरा के पास में हम गुजारे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं सीधे होते हुए पार्क में चलेंगे। तो हम लोग जाएंगे नजरबाग पार्क, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, हम आप लोगों को लेकर चलेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं ये सब है बेतिया का नज़ारा। इधर साइड में तरह तरह का दुकान लगाया गया है, स्वेटर जिसे ऊनी वस्त्र होता है ये सब मिलता है इधर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग खरीद सकते हैं अगर। तो गाइस करीब करीब आधे घंटे हम लोग को घूमने के बाद में आ चुके हैं हम लोग फाइनली शहीद पार्क के पास में। तो शहीद पार्क आ चुके हैं, चल रहे हैं टिकट काउंटर पर, वहाँ पर टिकट कटवाएंगे और उसके बाद में हम लोग एंट्री करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस आज है 1 जनवरी, न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए सबको इधर आए हुए हैं। तो गाइस देख लीजिए नजरबाग पार्क के पास में कितना भीड़ लगा हुआ है, सब लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे और बहुत लोग भी अंदर जा चुके हैं। तो गाइस विशाल जी गए थे अंदर टिकट कटाने के लिए, टिकट मिल गया। तो गाइस ये हो गया हम लोग का टिकट, टिकट लेकर जाएंगे अंदर, अंदर प्रवेश करेंगे हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग नजरबाग पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि आज 1 जनवरी है, नए साल पर यहाँ पर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो गाइस जो लोग नहीं जा पाते हैं कहीं कहीं, मतलब बेतिया से एक्स्ट्रा बाहर जगह पर नहीं जा पाते हैं, वो यहाँ पर आकर घूमते हैं फिरते हैं और उसके बाद सभी जगह पर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। तो गाइस हम लोग भी आए हैं इधर घूमने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत। तो गाइस काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और फोटो वोटो खींच रहे थे। तो गाइस चल रहे हैं इधर, सभी के पीछे पीछे होते हुए निकल रहे हैं, देखते हैं ये लेकर कहाँ जाता है हम लोगों को। तो गाइस अभी हम हैं नजरबाग पार्क में। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप लोग नज़ारा देख सकते हैं पार्क का। पार्क में चारों तरफ से बंदे आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं यहाँ पर
फर्स्ट जनवरी को बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। तो भाई इस बार आप लोगों को लेकर आ गए हैं झरना के पास में, देख लीजिए। देखिए दुर्राटे काट रही है ओम फो। यह है झरना तो इधर से लाइट निकलती है और फुहारा निकलते हैं। अभी इसमें बंद है, अभी नहीं दिखाया जा रहा है। ये है खतरनाक कैमरामैन, कैमरामैन को साथ में लेकर आए हैं हम लोग, देख लीजिए लेट लेट कर फोटो खींच रहा है। तो गाइस अगर आप लोगों को जूम करके दिखाए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झरना पर चढ़ना मना है, लेकिन सब कोई निर्देश का पालन करते हुए इस पर चढ़ रहा है। तो गाइस अब हम लोग सीधे आगे की तरफ निकलते हैं। तो गाइस झरना के पास काफ़ी देर हम लोग समय व्यतीत किए हैं, अब थोड़ा सा सोचे कि अब आगे भी टहल लिया जाए, कितना देर यहाँ पर रुका जाएगा। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं अब सीधे आगे की तरफ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देखते हैं आगे क्या क्या है, आगे कैसा कैसा हो रहा है। यहाँ पर आप लोग भीड़ देख सकते हैं बहुत काफी ज्यादा है, पहले के मुकाबला तो अधिक है। चलते हैं उस झरने के पास में, चलते हैं और भी झरना है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, पीछे देख सकते हैं यहाँ पर झूला है, तो झूला के पास में हम लोग आ चुके हैं। और इधर बगल में देखिएगा तो वहाँ पर एक ग्लोम्बर लगा हुआ है, तो वहाँ पर है ग्लोम्बर और यहाँ वहाँ पर कुछ बच्चे जंप कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोग दिखाना चाहते हैं देखिए। तो गाइस वो सब है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है, बड़ा लोग इधर झूला झूल सकते हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि ज़्यादा बड़ा होने पर टूट सकता है झूला। तो गाइस हमारे पश्चिमी चंपारण के जाने माने एक रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर अर्जुन चौरसिया भैया यहाँ पर आप लोगों के साथ में जुड़ गए हैं। तो अर्जुन भैया कुछ बोलिए हमारे दर्शकों के बारे में। सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है, और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के दिन है कि अपने आप में परिवर्तन लाने का, हम लोगों ने 2023 में क्या किया है उसको आप पीछे छोड़ दीजिए, और 2024 में क्या करना है ये चीज़ का आप लोग टारगेट बनाइए कि 2023 में मैंने क्या किया और 2024 में मुझे क्या करना है। एक स्ट्रेटजी बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए, मुझे एक मंजिल बनाइए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ये चीज़ क्या है उसके लिए तैयारी करिए। स्मार्ट गोल आता है, स्मार्ट गोल बनाइए। अगर नहीं समझ में आता कि स्मार्ट गोल क्या है तो आप लोग गूगल पर सर्च करके एक बार जरूर बनाइएगा, और ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहिए, कुछ अपने आप में परिवर्तन लाइए, तब जाके अपने जीवन बदल सकता है। नहीं तो वैसे ही आप समझ रहे हैं तो वैसे ही 2023 बहुत लोग एक वीडियो लगाए थे कि 2023 तो नहीं बदला, अगर 2024 नहीं बदला तो अपने आप को आप खुशी कर लेंगे। एक ये भाई क्या है भाई, जीवन का एक परिवर्तन है, सबसे पहले अपने जीवन में अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, फिर उसके प्रयास करने चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बाकी आज के दिन बिहार पुलिस के जवान भी हम लोग के लिए तैनात है, बॉर्डर पे फौजी लोग तैनात है, उन लोग से आशीर्वाद से और वहाँ पे उन लोग खड़े हैं, तब आज अपने घर में और यहाँ इस फील्ड में हम लोग खड़े और यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। तो गाइस आज अर्जुन भैया बैठ आ गए हैं, तो पार्क में इनके साथ में हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आइए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, अर्जुन भैया का रिपोर्टिंग दिखाएंगे आप लोगों को। उनके लिए मिठाई खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने घर को त्याग कर, अपने बाल बच्चों के त्याग कर हम लोग रक्षा के लिए यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि सर को मिठाई खिलाना। सर हैप्पी न्यू ईयर आपको, सबसे पहले कि आप मेरे तरफ से मिठाई खाइए, आप हैप्पी न्यू ईयर सर है अपने से मिलिए। क्या कहना चाहते हैं आज के दिन सर, सर क्या कहना चाहते हैं आज हैप्पी न्यू ईयर मैम आपको, वो न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर मैम, मिठाई खाना। हाँ ये मेरा छोटा सा प्रयास है आप लोग के लिए, क्या संदेश देना चाहिएगा वहाँ पे मैं बोली। मैं देखिए मैम बात ये है ना कि आप इतना अपने घर परिवार के त्याग कर, अपने बाल बच्चों के त्याग कर हम लोग के हिफाजत के लिए आप लोग हमेशा खड़ा रहती है। मैंने आज 1 जनवरी है फिर भी आप लोग अपने बच्चे के साथ सेलिब्रेट नहीं करके 1 जनवरी नहीं मना के, लेकिन हम लोग के बीच में आप सुरक्षा के लिए तैनात है, क्या कहिएगा।
हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में स्वागत है। आज न्यू ईयर है और हमारे दोस्त नया ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, बोलने का जो टेक्निक है अभी सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और हम लोग इंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग भी आए थे रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो हम लोग को रिकॉर्डिंग हो चुका है और आप लोग क्राउड देख सकते हैं भीड़ कितना है। क्या कहिएगा दोस्त, नया ब्लॉगिंग स्टार्ट किए हैं तो गाइस, अगर हम चाहते हैं कि ये मतलब हमारा जो आवाज़ है वो डेवलप हो और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहें, बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाकर आप लोगों को दिखाते रहें, नए नए जगह पर जाएं, घूमें और वीडियो बनाएं। तो गाइस अभी तक तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप कोशिश करेंगे धीरे धीरे और आप लोगों बिल्कुल इनका आप लोग भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को इनका ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटे कलाकारों को आगे बढ़ाइएगा तब ना होगा, क्योंकि ये कोई क्या कहते हैं ना कि धरातल से इनको ऊपर उठाना है। ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि एक पोस्ट किए 1 मिलियन व्यू चला गया, तो इनको आप लोग बढ़ावा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना भी दोस्त देख रहा है और ये सब उनके दोस्त हैं जो पास में रहते हैं। रवि जी क्या बोलिएगा, बोलिए अपने दोस्त के भैया ब्लॉग बना रहे हैं, इनका सपोर्ट करिए। अब भैया धीरे धीरे साथ हम लोग शूट कर रहे हैं। बिल्कुल तो गाइस धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर बढ़िया नज़ारा है। तो गाइस ब्लॉगिंग करते हुए हम लोग आ चुके हैं झरना के पास में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बर्थडे मनाया जा रहा है झरना पर, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस तो ये महाब का ये फॉर्म लाया था लोग, जो ट्रेंडिंग दिखा सकते हैं कि सारे लोग देख, हाय हाय इतना सुकून देखने का प्रयास कर रहा था। तो लोग अपने एक नया सा ट्रिक लाया लोग कि हम लोग भी कोई देखे, तो इसलिए यहाँ पार्क में आकर इंजॉय कर रहे लोग। हालांकि वो भी अपने घर पे भी पार्क बॉडी मना सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे भीड़ देखने के चक्कर में ये लोग आ रहा था, समझे। ये सब टेक्निक है। अभी अपना बर्थडे किसी जॉली ग्रैंड होटल में ना मनाइए, बंद कमरे में मत मनाइए, किसी पार्क में आइए, गर्म भर के हाईलाइट हो जाइए, देख सकते हैं कर रहा है ना, हम लोग देख रहे हैं। मिल गया है और देखिए सब माल पटाने के लिए बैठ गया है और इसको बार और जिम में जाता है, बॉडी बना लिया है और देख रहा है, धमकी दे रहा है कि वीडियो डालेगा तो वही तो गाइस इस पार्क में हम लोग आए हैं, यहाँ पर एक से एक चीज देखने को मिला है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं और कुछ बनच्चर लड़के होते हैं, देख लीजिए जैसे कि वो लड़का है, सब देखिए कहीं से ऊपर चढ़ गया है और ऊपर से बनच्चराई कर रहा है। हाँ देखिए ऐसे ऐसे लोग छुछुंदर लोग जो है रास्ते में मिलते रहते हैं, जैसे पानी वहाँ से झरना स्टार्ट होगा तो ऐसे वो लोग भागेगा, उसका मुँह हाथ फूट जाएगा। तो गाइस देख लीजिए, हम आप लोगों से बताए थे कि बनचराई का कारण यही होता है कि मुंह हाथ फूट जाता है, देखिए पानी चालू हुआ है, एक लड़का गिर गया, उसका दांत छिला गया है। आगे स्वाद से बात से हम सहमत हैं। ये क्या है गाइस, जो अब थोड़ा देर हम लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर बहुत समय व्यतीत हो गया है, यहाँ ज़्यादा समय नहीं रुकना चाहते हम लोग। तो गाइस हम लोग ऐसे होते हुए निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हम लोग का काफ़ी समय व्यतीत हो गया है यहाँ पर और कोशिश करेंगे कि हम लोग सबको ही चले जाएँ, क्योंकि अभी बहुत काम है हम लोगों का, सब हो गया है। चलिए ठीक है, तो गाइस हम लोग जाने में भी रूम पर जाने में भी काफ़ी समय लग जाएगा, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा, तो धीरे धीरे होते हुए हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग तो अंदर से निकल गए हैं, लेकिन अब पता नहीं कितना समय लगेगा जाने में, क्योंकि काफ़ी दूर है हम लोग का रूम, यहाँ से कम लगेगा आधा घंटे के आसपास में लगेगा। अरे ठेलिए ठेलिए जोर से, हाँ हो गया, चलिए चलिए, आप बहुत गरीबों का लोगों का मदद करते हैं, आपको आपका जल्दी शादी ब्याह हो, आपका 2-4 को 10-12 को लड़का फैका हो।